हेलो गाइज, आपके अपने चैनल श्यामा के स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक छोड़ो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, में बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, आज की कंडीशन की बात करें तो जो कि अभी एट प्रेजेंट जो कि अपर सर्किट पे लॉक है 5% पे एंड 45.85 रुपये पर लॉक हो चुका है। एंड कंडीशन क्या है पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो एक लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें 45.85 रुपये का आज का ये लो की बात करें तो मॉर्निंग में एक बार हल्का सा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिला, 45.80 रुपये तक ये एक बार नीचे आया था, पर दोबारा से इसमें जो कि अपर सर्किट लॉक लग चुका है। एंड अगर बाउंड्री हाई की बात करें 54.10 रुपये का बाउंड्री हाई है, लो की बात करें 2.70 रुपये जो कि इसका बाउंड वीक लो है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 60 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था, और ऑफ कोर्स गाइस कंडीशन काफी बेहतरीन है, और जिस तरीके से जो अभी जो कंडीशन है उसको देखते हुए लगता है कि नया मैक्सिमम सेट करने वाला है अभी। एंड काफी टाइम मैंने आपको बोला है जब इसकी वैल्यू करीब करीब 10 रुपये के आसपास हुआ करती थी, तब से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ गाइज कि इसको ले लीजिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और आज कंडीशन ऐसी है कि करीब करीब 4 से 5 गुना आपको प्रॉफिट मिल सकता था। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो काफी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही, देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो कि अगर शॉर्ट एनालिसिस की बात करें या फिर इसके वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो जो एनएससी पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो करीब करीब 30 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। बीएससी की बात करें तो बीएससी पर भी एक अच्छा खासा जो कि करीब करीब मोर देन 4.5 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि बीएससी पर भी ट्रेड हुआ है। शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ जो कि 6 है, 4 वीकनेस है, 4 अपॉर्चुनिटीज है, 1 थ्रेट नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके जो कि आज की तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं 3 दिन से जो कि अपर सर्किट पे लॉक है, टोटली इसमें बायर लगे हुए हैं बाय करने के लिए, एक सिंगल शेयर भी जो कि अभी हर कोई लेने के लिए तरस रहा है। इवन मैंने काफी टाइम बोला था गाइस इसको ले लीजिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड जिसने भी जैसे ही इसने टिप किया, जिसने भी लिया, ऑफ कोर्स गाइस ऑलरेडी प्रॉफिट में है। एंड अगर बात करें सेंटीमेंट की, 98% बाय का, 0% सेल एंड 2% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड गाइस ऑफ कोर्स इसके अलावा अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो रिजल्ट भी काफी बेहतरीन है। रेवेन्यू की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जंप देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर हो, एंड एक मेंटेन रेवेन्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है। चाहे कोई भी क्वार्टर आप उठा लीजिए जो कि मोर देन 200 करोड़ जो कि इसका रेवेन्यू शो किया गया है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ईयर ऑन ईयर जो इसका लॉस है वो काफी कम हुआ है, करीब 3 गुना लॉस कम हुआ है। नो डाउट कि यहाँ पर लॉस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर में भी करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट की है। एंड इसके अलावा अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो यहाँ पर जो कि प्रमोटर होल्डिंग है वो बिल्कुल स्टेबल है, 74.36% के साथ बिल्कुल स्टेबल है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, प्लेस बिल्कुल जीरो है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 25.62% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है, अदर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री भी 0.01% के साथ यहाँ पर बनी हुई है। एंड गाइज अगर बात करें यहाँ पर जो कि होल्डिंग की तो कोई भी यहाँ पर होल्डिंग तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड गाइज हो सकता है यहाँ पर जो कि सेप्टेम्बर की होल्डिंग अभी आई नहीं है तो काफी चांसेस है कि यहाँ पर बड़े जो कि इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली हो, क्योंकि काफी सारा फ्लक्चुएशन इवन जो कि मेंटेन प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिला था लास्ट क्वार्टर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपये से लेके 40 रुपये तक काफी टाइम तक मेंटेन रहा था, तो हो सकता है वहां पर एक बड़े इन्वेस्टर की एंट्री हुई हो। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री ऑफ कोर्स यहां पर 0.01% के साथ यहां पर बनी हुई है। न्यूज की बात करें तो गाइस यहां पर काफी सारी न्यूज जो कि मार्केट में फ्लैश हो रही है, सबसे पहले बात करें तो फ्रॉम टेलको टू टेको एंटरप्राइज बिजनेस टू कैटपल्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री टू नेक्स्ट लेवल। सो गाइज यहाँ पर रिलीफ पैकेज ऑफकोर्स उसका भी बेनिफिट मिलेगा, जो टेलीकॉम रिलीफ पैकेज जो कि अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जो कि ऑफकोर्स जिसका इवन काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट जो कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र को मिलेगा। नए अवतार के साथ आई है टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज, एंड जो कि ऑलरेडी स्मार्ट फ्लो जैसी ऐप जो कि लॉन्च कर चुका है। एंड अगर बात करें इसके अलावा जूम के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो कि जो एसएमई जो सेक्टर है उसको अभी जो रन करेगा इवन अगर बात करें। एंड इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ जो कि अभी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र में
जो कि हो रही है। एंड अगर बात करें इसकी न्यूज़ की, तो न्यूज़ काफ़ी सारी मार्केट में फ्लैश हो रही है। एक न्यूज़ ये थी कि टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज इंट्रोड्यूसेस कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस, जो कि 23 सितंबर को ये न्यूज आई थी। ज़बरदस्त न्यूज़ थी, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आप इसमें काफ़ी अपसाइड जो कि अपर सर्किट देखने को मिला था। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पर एक न्यूज़ और आई थी जो कि 28 सितंबर को बैक टू बैक न्यूज़ आई थी, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज लॉन्चेज EZ Cloud Connect for Businesses। सो गाइज, यहाँ पर जबरदस्त सिचुएशन है। एंड अगर बात करें इसके अलावा, जो कि इसकी एक लेटर जो कि अभी एट प्रेजेंट जो होल्डिंग कहाँ पर कैसे, जो कि एज ऑन 30th, जो कि अभी इवन यहाँ पर फ्लैश नहीं हुई है, बट अगर बात करें इसकी होल्डिंग की, तो यहाँ पर कोई अभी इसमें ऐसा वो जो कंप्लेन नहीं आई है, इवन कंप्लेन अभी जीरो है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक की होल्डिंग में एज ऑन क्वार्टर जो कि सितंबर क्वार्टर, क्योंकि ऑफकोर्स ये न्यू इवन ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी 7 अक्टूबर को ये इवन टाटा बिजनेस सर्विसेज द्वारा भी दिया गया है। तो गाइज, कंडीशन काफ़ी बेहतरीन है, सिचुएशन बेहतरीन है। एंड गाइज, ऑफकोर्स अभी अगर यहाँ पर डिप मिले तो गाइज ऑफकोर्स आपको लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन कंडीशन होने के इसमें चांसेस है। एंड अगर बात करें सुपर ऐप की, तो गाइज ऑफकोर्स सुपर ऐप एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर टाटा टेली में देखने को मिली, क्योंकि जो सुपर ऐप की जो टेक्निकल सपोर्ट है सुपर ऐप का, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो कि टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज दे रहा है, जो कि ऑफकोर्स जो कि ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, दोनों इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज बन चुका है। एंड गाइस, टेक्निकल सपोर्ट इसमें इट मीन्स कि यहाँ पर मेन पार्ट जो है वो टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज का रहेगा। और इतने प्राइस में टाटा का शेयर मिलना, इट मीन्स कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टाटा का कोई भी शेयर ले लीजिए आप रेंडमली, जो कि करीब अभी एट प्रेजेंट जो कि 150 रुपये से ऊपर है, हर शेयर 150 रुपये से ऊपर है। एंड गाइज, ऑफकोर्स आप अगर इसमें टारगेट सेट करके चलना चाहते हैं, तो करीब करीब 100 रुपये के आसपास इसका टारगेट सेट करके चल सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये ब्रेक हो, क्योंकि अभी इवन एक जो एक लेवल पे जाके शेयर प्राइस को मेंटेन किया जाता है, उसमें होल्डिंग को अप डाउन भी किया जाता है, इवन हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिले, 60 रुपये के आसपास भी हो सकता है। तो गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, और एवरी डिप यू नीड टू बाय फॉर बेटर प्रॉफिट। सो गाइस, मिस मत करें, एक जबरदस्त शेयर आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस में, वो भी टाटा ग्रुप का। सो गाइस, कंडीशन काफी बेहतरीन है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।